हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक सिंपल डिजिटल क्लॉक का प्रोग्राम देखेंगे। इसमें हमारा आउटपुट कैसा रहेगा, आवर, मिनट एंड सेकंड की फॉर्मेट में, जो कि हमारे करंट टाइम को कोरस्पॉन्ड करेगा। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें कुछ हेडर लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी पड़ेगी। stdio.h हमारे प्रिंट एफ फंक्शन के लिए, time.h हमारा करंट टाइम निकालने के लिए, unistdio.h हमें डिले देने के लिए। बेसिकली एक बार प्रिंट करने के बाद हमें 1 सेकेंड का डिले देना होगा, तो उसके लिए unistdio.h लाइब्रेरी का यूज़ होगा। फिर हमारे मेन फंक्शन के अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। एक हमने डिक्लेयर किया time_t टाइप का टी वेरिएबल, जिसके अंदर हम क्या लेंगे, हमारा टाइम लेंगे। टाइम कैसे लेंगे, टाइम एड्रेस ऑफ टी। इससे क्या होगा, टी के अंदर आपके January 1, 1970 से जितने भी सेकेंड अब तक हुए होंगे वो स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, लोकल टाइम। बेसिकली हमें टाइम किस फॉर्मेट में चाहिए, आवर, मिनट और सेकंड की फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके लिए हमने लोकल टाइम इस फंक्शन का यूज़ किया है। इस फंक्शन के अंदर आप पास क्या करते हो, जो ये आपका टी वेरिएबल था, ये वाला वेरिएबल पास करोगे तो आपका बेसिकली इससे होगा क्या, एक स्ट्रक्ट टी एम, ये वाला स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपकी कुछ फील्ड होती है, जैसे सेकेंड, मिनट, आवर, डे ऑफ मंथ, मंथ कौन सा चल रहा है अभी आपका, कितने नंबर ऑफ ईयर्स हो गए हैं 1900 से लेकर अब तक, कौन सा डे ऑफ वीक चल रहा है, कौन सा डे ऑफ ईयर चल रहा है, ये डे लाइट सेविंग टाइम है या नहीं, तो ये सारी आपकी फील्ड पॉपुलेट हो जाती है। बेसिकली जब आप लोकल टाइम फंक्शन यूज़ करते हो तो आपकी ये सारी फील्ड फिल हो जाती है। इसमें से हम कौन कौन सी फील्ड का यूज़ करेंगे, सेकेंड, मिनट एंड आवर, क्योंकि हम उसी फॉर्मेट में प्रिंट कर रहे हैं। तो हमारे लोकल टाइम के बाद हमने उसमें से आवर, मिनट एंड सेकेंड निकाल लिए उनकी फील्ड में से। उसके बाद हमें क्या करना है, टाइम को प्रिंट करना है और 1 सेकेंड का गैप देना है। वही हम वाइल लूप के अंदर करेंगे। वाइल लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमारी स्क्रीन को क्लियर कर रहे हैं, फिर हम आवर, मिनट एंड सेकंड को प्रिंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम सेकंड को 1 से इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। ये अभी हमारा केवल वेरिएबल इंक्रीमेंट हो रहा है, एक्चुअल जो हम डिले देंगे उससे 1 सेकंड का गैप आएगा। अब हमारा सेकंड इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगा, हमारा अगर सेकंड 60 हो गए हैं तो हमें मिनट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और सेकंड को 0 करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपके मिनट इंक्रीमेंट होने के बाद मिनट 60 हो गए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आवर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और मिनट को 0 करना पड़ेगा। और अगर आपके आवर 24 हो गए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा रीसेट करना पड़ेगा, आवर, मिनट, सेकंड तीनों को 0 करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर हमने किया है। और उसके बाद हमने क्या किया है, 1 सेकंड का डिले। डिले देने के लिए हमने स्लीप फंक्शन का यूज़ किया है, जिसमें आप जितने सेकंड का डिले देना वो उसका पैरामीटर पास करते हो। तो हमें 1 सेकंड का डिले देना था तो हमने यहाँ पर ये पास कर दिया। तो इतने से कोड से हमारा डिजिटल क्लॉक का प्रोग्राम बन जाएगा। अभी इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं। रन करने पर हमारी डिजिटल क्लॉक 1 सेकंड से इंक्रीमेंट होकर टाइम प्रिंट कर रही है, जो कि हमारे करंट टाइम को कोरस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन एक चीज़ नोट करने वाली है कि क्योंकि यहाँ पर हम 1 सेकंड का डिले दे रहे हैं और उसके अलावा आपका ये सारा प्रोसेस भी हो रहा है, तो ये प्रोसेस भी कुछ टाइम लेगा, तो हमारी जो ये क्लॉक है, ये क्लॉक आपकी एक्चुअल क्लॉक से थोड़ी सी स्लो होगी। और अगर आपको आपकी क्लॉक को कुछ टाइम बाद सिंक करना है तो आप फिर से इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, लोकल टाइम टी, उसमें से आवर, मिनट और सेकंड निकाल सकते हो। लोकल टाइम टी क्या करेगा, आपका जो भी करंट टाइम होगा वो निकाल के स्ट्रक्ट टी एम में फिल कर देगा और वहाँ से आप आवर, मिनट, सेकंड ले सकते हो। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइज।